स्वागत करता हूं मैं आपके हिंदी की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके सीडीपी और यूपी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये प्रश्न सीधे परीक्षा वाले प्रश्न है जो आपको सीधे पेपर में दिख सकते हैं। फ्रेंड जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिएगा। तो उसके बाद चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं फटाफट। जितने भी लोग क्लास से जुड़े हैं सबका क्लास में मोस्ट वेलकम है। क्लास की शुरुआत करेंगे पहले मजेदार प्रश्न के साथ। फ्रेंड पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन हमको करना है। भाई वर्तनी के अनुसार कहने का मतलब सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जिनमें जरा सा आपको हमें ध्यान देना होता है और सही उत्तर को हम क्लिक कर जाते हैं और हम एक मार्क्स अपने गेन कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। दिया है पहला पूजनीय, दूसरा दिया है पूजनीय, तीसरा दिया है पूजनीय और चौथा दिया है पूजनीय। मतलब चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, केवल सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव हमको करना है। तो फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करिएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये और आप लोग सही इसका जल्दी जल्दी जवाब देंगे। वर्तनी के अनुसार जो सही शब्द है फ्रेंड, यहाँ पर सारे शब्द एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन जो हमारा सही शब्द है फ्रेंड वह है पूजनीय। बिल्कुल सही होता है पूजनीय, पूजनीय पूजनीय सारे इनकरेक्ट हैं। जो हमारा करेक्ट है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर बी पूजनीय, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी वीडियो में जुड़ते चले वीडियो को शेयर करते चलिएगा और क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। जी हाँ अगला प्रश्न हमारा है ये हमारा गवर्नर सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। एक शब्द के एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द का चुनाव करना है आपको। हमारे ऑप्शन है अनुज, बी द्विज, सी है अग्रज, डी है सर्वज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट कर फ्रेंड बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी बताएं फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए, बताएं इसका क्या होगा सही जवाब। फटाफट फ्रेंड अपने आंसर कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न के लिए जल्दी जल्दी सही बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जी हाँ जिनका जन्म पहले हो हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो भाई जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द हमारा क्या है अग्रज। अग्रज उसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा अग्रज। अनुज मतलब छोटा होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, सर्वज मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है सर्वज मतलब होता है फ्रेंड वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज कहते हैं। ठीक अनुज मतलब होता है व्यक्ति से जो छोटा भाई होता है उसके अनुज, और द्विज का मतलब होता है पक्षी और द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। तो ये था इसके ऑप्शन का डिटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया है फ्रेंड वर्तनी के अनुसार सही शब्द का चुनाव करना है। जी हाँ वर्तनी के अनुसार पुनः एक बार वर्तनी से आधारित प्रश्न हमें मिल गया है कि वर्तनी के अनुसार सही शब्द का चुनाव हमको करना है, शुद्ध रूप से चुनना है। दिया है हमारे ऑप्शन ए पुरस्कार, बी पुरस्कार, सी पुरस्कार और डी पुरस्कार। बिल्कुल सिंपल सा ये फ्रेंड प्रश्न है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आप सभी लोगों ने इस शब्द को बार बार पढ़ा होगा, बार बार लिखा होगा, इसलिए आप इसमें गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल सही आपके जवाब सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों तक। इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रतिदिन 7:15 पर ये हिंदी की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो चलिए इसी कड़ी में आज ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो आगे चलेंगे अगले पंक्ति की तरफ। फ्रेंड अभी प्रत्यय बताइए, सजावट शब्द में प्रत्यय का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है आव, हमारे ऑप्शन है आवट, हमारे ऑप्शन है आहट, हमारे ऑप्शन है ता। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रत्यय क्या होता है। तो फ्रेंड प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके उपसर्ग में उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पुनः सुनेंगे, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार उपसर्ग प्रत्यय में कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर, सजावट शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। भाई सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो आप सभी लोग सजावट को यदि तोड़ेंगे तो सज सजाधन आवट, सजाधन आवट मतलब क्या होगा, साफ हो गया कि जो है इसका सही जवाब आवट। आवट इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसको तोड़ेंगे तो सजाधन आवट मतलब आवट शब्द जोड़कर सजावट बना हुआ है। तो आवट इसका सही प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है फ्रेंड आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है, आवट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे अगला प्रश्न हमारा कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का
पेड़ से गिरा उपयुक्त वाक्य में कारक बताना है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में कारक बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कारक के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, कुछ कारक के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जिनको आप एक बार याद कर लेंगे तो कारक संबंधी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और अपादान से उसके बाद अधिकरण में पर ठीक संबोधन हे हो अरे, तो इस प्रकार से कुछ आपके जो है चिन्ह बने हुए हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आसानी से इनके आंसर जो है दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो पहचान पकड़ा, जो कारक का चिन्ह पकड़ा हुआ है, लड़का पेड़ से गिरा, से शब्द को हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, मतलब उसको जो है हाईलाइट कर दिया। से का मतलब होता है जब किसी भी वाक्य में अलग होने का, मतलब अपादान का मतलब होता है अलग होने की स्थिति पैदा हो। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, ठीक, लड़का पेड़ से गिरा, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, मतलब क्या हो, पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा, अलग होने की स्थिति होती है जहाँ पर। और से शब्द उसका पहचान है, उत्तर हमारा है अपादान कारक। जी हाँ, अपादान कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, ठीक, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, और कर्म का चिन्ह होता है को, ठीक, और करण का क्या होता है चिन्ह, भाई ये भी आपने को बताया, आपको करण का चिन्ह होता है से। तो ये सब कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक, अपादान का चिन्ह क्या होता है से, अलग होने के भाव में, ठीक है, अलग होने के भाव में, तो सी होता है अलग होने के भाव में, ठीक है। इसी प्रकार आप सिंपल से कर्ता जो हमारा आठ प्रकार होता है उसकी पहचान को हम याद कर लेते हैं तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों में गलती हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो भाई ए है बहुव्रीहि, बी है द्वंद, सी है द्विगु और डी है तत्पुरुष। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करिए, अब बताइए कि चौराहा में कौन सा समास है। आप देख रहे हैं चौराहा का, अगर आप तोड़ेंगे तो आप क्या समझते हैं चौराहा के सेंस में, चौराहा का सेंस होता है चार राहों का जो समूह, चार राहों का समूह, मतलब यहां पर पहला शब्द आया चार, ठीक है, पहला शब्द आया चार, तो तुरंत आपको गेस करना है जवाब आपका होगा, जवाब आपका बिल्कुल सही, जी हाँ आपके कमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, द्विगु समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस समास का डिफिनेशन यही है कि जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा में चार राहों का समूह, चार क्या है आपका संख्यावाची है, तो इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि में क्या होता है तीसरे अर्थ, मतलब क्या है दोनों जो शब्द होते हैं वह अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जैसे दशानन आपने सुना होगा। उसके बाद द्वंद क्या होता है, जहाँ पर हमारे दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं बट बीच में क्या होता है योजक चिन्हों का लोप होता है, वो आपका द्वंद्व हो गया। और तत्पुरुष में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक, द्वितीय पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार ये हमारे चारों समास थे, ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न को लेकर, ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न हमारा है, पुत्री, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न में आप ध्यान से आपको नोटिस करना है, हाँ और नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी बार यही चीज़ हमारे साथ होती है कि आता हुआ प्रश्न हम गलती करके चले आते हैं, उसके बाद अपने आप कोसते हैं कि क्यों मैंने नहीं को नहीं देखा। इसलिए जैसे भी आप पेपर हल करने बैठे हैं, जहाँ भी आपको प्रश्न में नहीं दिखे तो तुरंत पेंसिल या पेन जिससे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तुरंत हाईलाइट कर लीजिए कि ये नहीं पूछा गया है। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ए तनय, बी सुता, सी आत्मजा और डी दुहिता। तो बताइए फ्रेंड, पुत्री शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप इसके आंसर सही दे पाएंगे। काफ़ी सारे साथियों ने सही आंसर कमेंट करने प्रारंभ कर दिए हैं, ठीक है, जी सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फ्रेंड जो तनय है वह पर्यायवाची है पुत्र का, तनय जो पर्यायवाची है वह पुत्र का है, जबकि सुता, आत्मजा और दुहिता ये सारी पर्यायवाची किसकी है, हमारी पुत्री की है या बेटी की है, ठीक है, सारी पर्यायवाची पुत्री या बेटी का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुनः उसी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या है भाई कमल का पर्यायवाची, कौन सा शब्द नहीं है, ध्यान से देखेंगे, सरोज, अरविंद, सलील और
पंकज। तो बहुत सिंपल था प्रश्न ये भी फ्रेंड, तीन तो कमल के पर्यायवाची नहीं है, एक नहीं है, उसी का चुनाव हमको करना है, उसी का चुनाव हमको करना है। तो ध्यान से बताइए कौन सा हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करें फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए भाई, सरोज तो कमल का पर्यायवाची है, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी है, वारिज भी है, बहुत सारे पर्यायवाची कमल के हैं, बट जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं हुआ है सलील, सलील यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, कमल का पर्यायवाची सलील नहीं है, बल्कि सरोज, अरविंद और पंकज ये सारे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसकी मति झूठ बोलने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा भाई, झूठ बोलने वाली हो। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, एक से दो बार पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को टिक करिएगा। देखिए कह रहा है जिसकी मति झूठ बोलने वाली हो वो क्या होगा, कुसाल भुगदी, प्रयुत्मति, द्रुतगामी या दूरदर्शी, क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं फ्रेंड कि जिसकी मति झूठ बोलने वाली है उसके लिए सही शब्द क्या होगा। मति का मतलब जिसकी बुद्धि, मतलब क्या है, जो हमेशा अपने मस्तिष्क में झूठ का बहाना बनाता रहता है, मतलब झूठ की मनगढ़ंत जैसे बातें तैयार करता रहता है, उसके लिए हिंदी में एक शब्द का चुनाव किया गया है, जो शब्द है आपका प्रयुत्पन्मति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रयुत्पन्मति। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निर्गुण में संधि विच्छेद है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है, मतलब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि निर्गुण में संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए निर्धन गुण, बी कह रहा है निधन गुण, सी कह रहा है निधन गुण और डी कह रहा है निर्धन गुण। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, निर्गुण में कौन सा संधि विच्छेद है, जल्दी से बताइए निर्गुण का संधि विच्छेद कौन सा है। जी हाँ, जल्दी से बताइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा और तैयार होता था कि निर्गुण में प्रयुक्त संधि, मतलब कौन सी संधि निर्गुण में प्रयुक्त हुई है। तो जानते रहिएगा फ्रेंड, निर्गुण में हमारी विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, निर्गुण हमारी विसर्ग संधि है। जी हाँ, यह भी जानते रहिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे तैयार होने हैं कि निर्गुण में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। अब संधि विच्छेद जानना है, तो विसर्ग आप जान लीजिए कि निर्गुण विसर्ग संधि है, तो जिस आसन में विसर्ग आपको दिखे वही इसका बिल्कुल सही जवाब है। दो प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हुए कि निर्गुण विसर्ग संधि है, दूसरा विसर्ग का चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है भाई, आप सभी साथी हमारे विसर्ग के चिन्ह से परिचित होते हैं, तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, बगल में दो बिंदी होता है भाई, तो बगल में यहाँ दिख रहा है निर्गुण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, अब विसर्ग संधि होता क्या है कि जहाँ स्वर या व्यंजन के बाद, स्वर या व्यंजन के बाद विसर्ग का विकार होता है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चुनाव करना है, तत्सम क्या होता है, तत्सम यह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ठीक, और तद्धव क्या होता है, जिसको संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसको हम अपनी सुविधा अनुसार हिंदी में काट छाट कर कुछ परिवर्तन कर देते हैं, हमारे तद्भव वाले शब्द होते हैं। ठीक, कहने का मतलब होता है जो तत्सम होता है वह शुद्ध शब्द होता है, जो शुद्ध होता है, ठीक, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता है, और तद्भव क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। ठीक, यही माइनस और डिफरेंट होता है तद्भव और तत्सम में। तो यहाँ पर हमको चयन करना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। जी हाँ, कौन सा तत्सम शब्द है, ए दिया है कलश, बी दिया है कलश, सी दिया है कलश और डी दिया है कल्प। ठीक है, कल्प कल्प, तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है, क्योंकि जरा सा भी हम एक्स्ट्रा सोचते हैं या एक्स्ट्रा इधर उधर कन्फ्यूज होते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो जरा सा भी दिमाग आपको, पूरा पूरा दिमाग आपको सही शब्द को चुनाव करने में लगाना है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है कलश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कलश इसका शुद्ध तत्सम रूप है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। जी हाँ, सभी लोग जितने जैसे जुड़ते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, प्रतिदिन ऐसे ही आपको टॉप 30 क्वेश्चन की क्लासेज मिलेंगी। 7:15 टाइम है, घड़ी में रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, 7:15 के साथ मैं मुकेश आपके साथ लाइव हो जाऊंगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के, परीक्षा वाले प्रश्नों के साथ। जी हाँ, आगे चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से वाक्यों
वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चुनाव हमको करना है। ठीक है, कुछ वाक्य हमारे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य का चुनाव हमको करना है। ये कह रहा है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी कह रहे हैं कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सी कह रहे हैं हमारी सौभाग्यमती कन्या का विवाह होने जा रहा है। और डी कह रहे हैं कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड, इसके लिए सही शब्द, सही वाक्य हमारे यहाँ पर कौन सा है, उसका चुनाव करना है। सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते प्रतीत हो रहे हैं, ध्यान देना है आपको। इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड आपके प्रैक्टिस से सही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सही वाक्यों का, शुद्ध वाक्यों का प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखिए कैसे आप गलती करते हैं। क्योंकि एक बार या दो बार में इस प्रकार के प्रश्न सही नहीं होते हैं, जिन राज्यों की गलत अगर हो जाएंगे प्रश्न और निराश नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, मेरे क्लास को अटेंड करिएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पुनः ऑप्शन चारों आपको दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा गलत हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सौभाग्यवती विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, सौभाग्यवती हम विवाहित के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और इसलिए यह दोनों हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बताए आयुष्मती, तो आयुष्मती सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, कन्या की विवाह होने जा रहा है, तो यहाँ पर की गलत है, इसलिए सही जो हमारा है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही वाक्य शुद्ध है। इसी प्रकार से छोटे छोटे डिफरेंट आपको पकड़ने हैं, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को सही कर सकते हैं और आपके जो प्रश्न है परीक्षा में वह नंबर आपके बढ़ा सकते हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि भानुदय, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमारे ऑप्शन है ए भानुधन उदय, बी भानुधन उदय, सी कह रहे हैं भानुधन उदय और डी कह रहे हैं भानुधन उदय। चारों ऑप्शन आपके मिलते जुलते प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न अगर आपको मैं ये बताऊं कि भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि भानुदय में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है या किस संधि का शब्द है भानुदय, जल्दी जल्दी बताइए। तो फटाफट बताइए। जी हाँ, कुछ साथियों ने कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। हाँ जी हाँ, भानुदय, जी हाँ, दुर्ग संधि, दीर्घ संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, दीर्घ संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हस्व, ठीक, हस्व अ ई उ मिलने पर हस्व अ ई उ और प्लस दीर्घ आ ई, मतलब दीर्घ हस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण मिलने पर जो दीर्घ हो जाता है वही हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, मतलब कि हस्व और दीर्घ मिल जाने पर हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, हस्व और दीर्घ मिल जाने पर हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। इसलिए जो इसका सही संधि विच्छेद है वह है भानुधन उदय। जी हाँ, भानुधन उदय मतलब ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया है, बड़ा ऊ। हमने बताया ना, हस्व प्लस हस्व या हस्व या दीर्घ मिलने पर सदैव हमेशा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि है और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध का हमको चुनाव करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का हमको चुनाव करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बी कह रहे हैं हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है और सी कह रहे हैं हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है या और डी कह रहे हैं हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। जल्दी से बताइए की का, यही सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देख के अपने आंसर कमेंट करिएगा कि हमारे यहाँ सारे हमारे यहाँ कॉमन है। आप लोग बताइए बाकी सारे में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, सही शब्द का आपको चुनाव करना है, सही वाक्य का चुनाव करना है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इस प्रकार के वाक्यों का, तभी आप इसमें संबंधित जो त्रुटियाँ हैं उसको जान पाएंगे और अपने आंसर सही कर पाएंगे। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, देखिए जब यहाँ पर तरुण मतलब युवा होता ही है, जब यहाँ पर नवयुवक की बात की गई है और तरुण भी किया गया, तो ये हमारा निर्णय, ये दोनों हमारे सेंटेंस जो है गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नवयुवक से सेंस आ रहा है कि आप युवा की बात कर रहे हैं, तो तरुण बार बार आप जोड़ने से क्या है, ये अतिरिक्त है, इसलिए गलत हो जा रहा है।
अब यहाँ पर बात हुई की और का की, तो देखिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, की नहीं का अच्छा प्रबंध है, ठीक। यहाँ पर की नहीं, ये की वाला गलत है, का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे अगले सब प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे सुनिए। ए भैया ए कह रहे हैं द्रव्य, बी कह रहे हैं भाई द्रव, सी कह रहे हैं संपदा और डी कह रहे हैं दौलत। जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तुरंत इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, कौन सा धन का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ फटाफट बताएं फ्रेंड, कौन सा धन का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए, फटाफट बताइए कि धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए भाई धन का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए द्रव्य है धन का पर्यायवाची, संपदा है धन का पर्यायवाची और दौलत है धन का पर्यायवाची, ठीक। तो मतलब जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, आप सभी लोग जानते हैं, और जो धन होता है लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए देखिए आप एक सिंबल, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी प्रिंट ऑफ पाइन लगा कर जो है प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए और पर्यायवाची को ज़्यादा ज़्यादा पढ़िएगा तभी आपकी इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। तो जो हमारा सही जवाब है वह है द्रव, ठीक। आप ट्रिक लगा सकते हैं कि द्रव का मतलब होता है लिक्विड, इसलिए हमारा यह सही नहीं हुआ, जबकि द्रव होता है पदार्थ, तो धन एक पदार्थ भी हो सकता है, धन एक संपदा भी हो सकती है, धन दौलत भी हो सकता है, तो इस प्रकार में धन हो सकता है, द्रव के रूप में धन नहीं हो सकता है, तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक था आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, बताइए भाई उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए, ठीक। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए, तो देखिए भाई अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, कारक के चिन्हों से मैंने आपको परिचित कराया है, तो आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने उस वर्ड पर भी हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर कौन सा कारक का चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बीस का डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कर्म पर मैंने पहले हाईलाइट कर दिया है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकू को भगाया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। पुनः देख लीजिएगा, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है ने, ठीक। करण का होता है शे, ठीक है, करण का क्या होता है शे, ठीक। संप्रदान का क्या होता है के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है के लिए, ठीक है। और कर्म का तो आप जानते हैं को, ठीक है। और एक अपादान का भी से होता है, अपादान का भी चिन्ह भी से होता है, बट अपादान में क्या होता है अलग होने की स्थिति होती है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, घुड़सवार, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, क्या रूढ़ शब्द है, क्या योग रूढ़ शब्द है, क्या यौगिक शब्द है, क्या निरर्थक शब्द है, जल्दी से बताइए, ठीक। निरर्थक शब्द तो नहीं है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इसका एक उपयुक्त अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा क्योंकि यह निरर्थक शब्द नहीं है, इसका एक उपयुक्त अर्थ निकल रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो घोड़े की सवारी करता है उसे घुड़सवार कहते हैं, एक एक सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द नहीं होगा। बाकी आइए जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हमारा कुत्ता हो गया, ठीक है, जैसे हमने कुत्ता लिख दिया, तो कुत्ता को कु अगर करेंगे अलग और ता अलग करेंगे तो इसका कोई अलग नहीं अर्थ नहीं होगा। जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने हाथ लिख दिया, ठीक है, हाथ लिख दिया तो हा अलग लिखेंगे और था अलग लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं लिखा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हमारे होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ क्या होते हैं, योगरूढ़ क्या होते हैं भाई, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांतों से मिलकर बने होते हैं, बट उसमें क्या होता है उसके सामान अर्थ छोड़कर, मतलब अपना सामान अर्थ छोड़कर क्या है विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अपना सामान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ की तरह अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आप ले लीजिए दशानन, ठीक है, दशानन, ठीक, दस है आनंद जिसके अथार्थ रावण, दस है आनंद जिसके अथार्थ रावण, मतलब क्या है कि अपना अर्थ छोड़ दे रहा है दशानन, एक तीसरा अर्थ बता रहा है रावण के बारे में, रावण के बारे में बता रहा है। पुनः सुनेंगे कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांतों से मिलकर बने होते हैं, जैसे दशानन क्या है, ये दस प्लस
आनंद से मिलकर बना है, दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बना है, बट ये अपना अर्थ छोड़कर, ठीक, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। जैसे दशानंद, दस प्लस आनंद से मिलकर बना है, मतलब दस अंशिर जीत के, अर्थार्थ रावण, अर्थार्थ रावण का एक विशेष अर्थ को बता रहा है। रावण ये क्या है, यह विशेष अर्थ को बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा योग रूढ़ हो गया। अब हमारा यौगिक, यौगिक क्या होता है, तो यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय मतलब क्या होता है, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय से मिलकर बना है, मतलब पुस्तक के लिए आलय, मतलब आलय का मतलब होता है घर, मतलब जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं उसको कहते हैं पुस्तकालय। इस प्रकार फ्रेंड, जो घुड़सवार है, घोड़े, ठीक है, घोड़े पर सवारी करने वाला, घोड़े पर सवारी करने वाला, घुड़धन, घोड़ा धन सवार, मतलब क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, घुड़धन सवार, मतलब घोड़े पर सवार होने वाला, अर्थात ये क्या है, यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि घुड़सवार एक यौगिक शब्द है जिस दो दो शब्दों से मिलकर बना है, घुड़धन सवार मतलब घोड़े की सवारी करने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे आपने अभी जाना निरर्थक शब्द क्यों नहीं, जैसे क्या होता है, आप जैसे पानी वानी, खाना वाना, ये हमारे निरर्थक शब्द, जैसे खाना वाना, पानी वानी, इसका कोई मतलब सिंत नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। आगे चलेंगे, अजाय, अजायब घर है, अजायब घर है, ए देशी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द और डी संकर शब्द। तो बताइए भाई अजायब घर क्या है, अजायब घर क्या है, जल्दी से बताइए अजायब घर क्या है, क्या देशी शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, क्या विदेशी शब्द है, क्या संकर शब्द है, ठीक। सबसे पहले अजायब घर का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, चिड़ियाघर होता है, ठीक है, अजायब अर्थ का क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, ठीक। अब यहाँ पर देसी शब्द मतलब ये शब्द जो स्थानीय भाषा से लिए गए उन्हें देसी शब्द कहते हैं, ठीक। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से जो कितने लिए गए तत्सम शब्द होते हैं, ठीक। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो विदेशों से लिए गए हैं, जैसे आपका विदेशों से काजू लिया गया है, ठीक है, कोट लिया गया है, ठीक, तो ये सब सारे क्या होते हैं, हमारे आपके विदेशी शब्द हैं। अब यहाँ पर संकर शब्द बच्चा है, तो ये शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं, जो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं वो क्या होते हैं, हमारे संकर शब्द होते हैं, तो जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जैसे अजायब क्या है, ये क्या है, अलग भाषा का शब्द है, और घर क्या है, देसी भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या है, यह संकर शब्द कहा जाएगा। अजायब घर का जो अर्थ होता है, होता है चिड़ियाघर, तो अजायब घर जो हमारा शब्द है वह संकर शब्द है, ठीक है, क्योंकि दो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है हमारा अजायब घर, इसलिए इसको संकर शब्द कहते हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आचार का विलोम है, आचार शब्द का विलोम है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये, आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि आचार का विलोम क्या होता है, आचार का विलोम अनाचार होता है, ठीक, आचार का विलोम क्या होता है, अनाचार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे अगले पद की तरफ, दुस्साहस, जी हाँ, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, बताइए भाई दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत हुआ है, ए दुस, बी दुर, सी दुर और डी से, जल्दी से बताइए दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो बताइए दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए भाई, यदि दुस्साहस का आप संधि विच्छेद करिए तो दुस्धन साहस, दुस्धन साहस, आप समझ गए होंगे कौन सा शब्द पूर्व में जुड़ा है, जी हाँ आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, दुस्साहस में दुस उत्तर जुड़ा है जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जगन्नाथ, जी हाँ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ किस संधि का उच्चारण है, ठीक है, तो ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ स्वर संधि और डी यण संधि। तो बताइए भाई जगन्नाथ किस संधि का शब्द है, आप सभी लोग जानते हैं यदि जगन्नाथ का हम संधि विच्छेद करें तो जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, मतलब कि दोनों व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, त और न, ठीक, त और न, त और न मिलकर बना बन रहा है, मतलब दोनों व्यंजन वर्णों से मिलकर यह बन रहा है, तो आधार सिंपल सी बात है, जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जगन्नाथ, जगन्नाथ में जग व्यंजन संधि होगा, जो इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, जगन्नाथ में व्यंजन संधि होगा। आगे चलते हैं, मोर का
तत्सम शब्द होगा। जी हाँ, मोर का तत्सम शब्द होगा। यहाँ पर पुनः तत्सम शब्द आ गया। तत्सम का मतलब हमने आपको बताया फ्रेंड कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। तो देखिए भाई, पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है मयूर, तीसरा है मयूर और तीसरा है डी है मऊर। तो बताइए भाई कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बेहद सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों ने बार बार इसको देखा होगा, हर जगह ये लिखा जाता है, मयूर इसका बिल्कुल सही जवाब है। मयूर इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यही हमारा शुद्ध है, यही हमारा शुद्ध है, और शुद्ध है तो तत्सम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे, अभिशाप। जी हाँ, अभिशाप में उत्तर चुनिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सभी साथी इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी के जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभिशाप में अभिधन साप, क्योंकि तोड़ने पर एक सही अर्थ आना चाहिए, अभिधन साप, ठीक, अभिधन साप, इसलिए अभी उपसर्ग जुड़ा है और साप हमारा मूल शब्द है, ठीक, तो अभी जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। ए ईर्ष्या, बी ईर्ष्या, सी ईर्ष्या और डी ईर्ष्या। बताइए भाई कौन सा यहाँ पर शुद्ध है, उसी को बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए वर्तनी के अनुसार शुद्ध अशुद्ध चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बुक को पढ़िए, ठीक है, बुक को पढ़िए और व्याकरण संबंधित अशुद्धियों को अपने दूर करिए। कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, जब आप जैसे क्या है संपादकीय पढ़िए या हिंदी की पुस्तकें पढ़िए, इससे क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों की सही लेखन की जानकारी हमको होगी, क्योंकि काफ़ी बार जल्दबाजी में हम गलत वर्ड लिखते जाते हैं और वही हमारे हैबिट में आ जाती है और बार बार हम वही गलती लिखते जाते हैं और परीक्षा में हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसका सुधार का एक मेरा जो व्यू है वह है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पुस्तकों को पढ़िए। पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, ध्यान से पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो सही शब्दों पर आपका प्रभाव जाएगा, आप देखेंगे कौन सा शब्द किस प्रकार से सही लिखा जाता है। क्योंकि आज भी हम अपने लेखन में काफ़ी अशुद्धियों को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे वर्णों को हम आज भी गलत लिखते हैं, तो वही हमारे सामने प्रश्न के रूप में आता है और हम गलती कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब है, ईर्ष्या इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और तत्सम शब्द है और शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे चलिए भाई, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ए निशाकर, बी निशाचर, सी तरणी और डी कृषाण। जल्दी बताइए चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है, जल्दी से बताइए, ठीक। देखिए चंद्रमा का जो सही पर्यायवाची फ्रेंड प्रश्न है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए निशाकर, ठीक है, निशाकर यह चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निशाचर, तरणी, ये सब क्या है, अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं। जो हमारा सही शब्द है वह है हमारा है निशाचर, सॉरी निशाकर इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा मयंक हो गया, ठीक है, और अन्य बहुत सारे पर्यायवाची चंद्रमा के हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में जो इसका सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, महादेव। जी हाँ, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ए गरुड़ ध्वज, बी नारायण, सी चंद्रशेखर, डी विश्वंभर। तो बताइए भाई कौन सा यहाँ पर महादेव शब्द का पर्यायवाची है। देखिए गरुड़ ध्वज, नारायण, विश्वंभर ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह महादेव का पर्यायवाची है। यदि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चंद्रमा को शिखर पर धारण करने वाले कौन, अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण किया है, तो जाहिर सी बात है वह देवों के देव महादेव अर्थात शंकर जी हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण किया है, जो कि इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है यथाशीघ्र। जी हाँ, यथाशीघ्र शब्द का समास है, यथाशीघ्र में समास है। तो देखिए भाई, यथा, तथा, यदा, कदा, जब, तब, अनु, ये सब सारे जो उपसर्ग वाले शब्द, मतलब अव्यय शब्द जिसके प्रारंभ में आते हैं, तो जाहिर सी बात है वह अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो मतलब आपका नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, मतलब यथा, कथा, जब, तब, मतलब ऐसे शब्द, ऐसे मतलब ये इस प्रकार का समास होता है जिसका पहला पद ही अव्यय होता है, ठीक है। अव्यय का मतलब क्या होता है, जिसको टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो आपका अव्यय होता है, ठीक है, जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, टुकड़े करने में कोई भी अर्थ नहीं निकले, वो हमारा अव्यय होता है। तो इसका जिस समाज का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय भाव समाज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलिए भाई, अगला हमारा प्रश्न है,
महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल, जी हाँ, इस वाक्य में अमूल शब्द क्या है? इस वाक्य में अमूल शब्द क्या है? तो भाई महात्मा गांधी में अमूल शब्द थे, अमूल गुण थे। तो भाई महात्मा गांधी में कैसे गुण थे? महात्मा गांधी के गुणों की विशेषता बताई जा रही है, महात्मा गांधी के गुणों को विशेषता बताई जा रही है। मतलब जब कोई शब्द किसी वाक्य में आए हुए शब्दों में मतलब प्रयुक्त हुए, तो मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जब कोई शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर अमूल्य जो शब्द है वह महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है, उनके गुणों की विशेषता बता रहा है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। मतलब ये सीधा सा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए विशेषण बता रहा है, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ए, मैं कल नहीं जाऊंगा। बी, यह फूल सुंदर है। सी, हवा धीरे धीरे चल रही है, बह रही है। और डी, आज स्कूल बंद है। तो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए भाई, क्रिया क्या होता है? जो वाक्य में कार्य करने का बोध कराता है। देखिए भाई, मैं कल नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में कोई भी प्रकार का क्रिया विशेषण नहीं हुआ है। मतलब जाऊंगा यहाँ पर क्रिया है, बट उसके साथ कोई विशेषण युक्त नहीं हुआ है। यह फूल सुंदर है, ठीक, यहाँ पर तो सीधा सीधा विशेषण है, फूल सुंदर है, मतलब कोई भी प्रकार का विशेषण क्रिया तो है नहीं, उसके बाद विशेषण भी यूज हुआ है जो कई डायरेक्ट विशेषण है। हवा धीरे धीरे बह रही है, तो बहना क्या है? विशेषण है, सॉरी, बहना क्या है? क्रिया है। और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। हवा कैसे बह रही है? हवा धीरे धीरे बह रही है, मतलब क्रिया क्या है? बह रही है। और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। मतलब यही हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे बहना। तो मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द हैं। तो अभी हमने बताया है कि योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, बट वे अपने सामान्य अर्थ को प्रदर्शित नहीं करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा योगरूढ़ शब्द है? पीला है, या चक्रपाणी है, या दूध वाला है, या नयन है? ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले अभी हमने योगरूढ़ को आपको अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल था यह प्रश्न है। यदि जिन साथियों को बहुव्रीय समास के एग्जाम्पल भी याद होंगे वह इसका जवाब बिल्कुल सही से दे पाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे साथियों के सही आंसर आ रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो चक्रधन पाणी, ठीक है, चक्रधन पाणी। और सामान्य अर्थ अगर हम इसका निकाले चक्रधन पाणी, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रदर्शित कर रहा है, चक्र को हाथ में धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी, चक्र को हाथ में धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी, ठीक है, इसलिए विशेष अर्थ विष्णु जी को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का महत्वपूर्ण क्लास, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया है। यदि वीडियो को आप सभी को बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगामी सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। हमारी संस्था रीड यूपीटेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं, जो भी साथी इच्छुक हैं वह हमारी संस्था द्वारा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक फिर चलते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।